हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई विल डिस्कस आवर फिफ्थ लेसन, दैट इज व्हाट स्ट्रेंज क्रिएचर्स। तो बेटा, क्रिएचर्स तो आपको पता ही होगा कि जो जंतु हैं उनको कहते हैं, जो भी जीव जंतु हैं। और स्ट्रेंज मीन्स अजीब। आप लोगों को पता है ना कि हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है इसमें काफ़ी टाइप के क्रिएचर होते हैं। तो कुछ देखने में ब्यूटीफुल होते हैं, कुछ अगली होते हैं, कुछ की वॉइस बहुत अच्छी होती है और कुछ की वॉइस अच्छी नहीं होती। तो हर किसी एनिमल या बर्ड या कोई प्लांट है तो अपनी कोई एक खूबी होती है जिसकी वजह से वो स्पेशल होते हैं। तो हम अपना लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे लेट्स गो सेक्शन। लेट्स गो सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, विच ऑफ दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव यू नॉट हर्ड ऑफ और सीन, टिक द नेम्स। इनमें से जिन एनिमल्स के बारे में आपने कभी देखा या सुना नहीं है उनको आप टिक करोगे। सबसे फर्स्ट है ककापू। सपोज आपने ककापू के बारे में सुना है तो आप इसको कुछ नहीं करोगे। कीवी के बारे में सुना है तो आप इसको भी टिक क्रॉस कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है पोर्क्यूपाइन। सपोज मैंने इसके बारे में नहीं सुना है तो मैं इसको टिक कर दूँगी, ओके। फिर डुगोंग के बारे में सुना है तो छोड़ दीजिए, नहीं सुना है तो टिक कर दीजिए। ऐसे ही प्लैटिपस और कूकाबूरा, इन सब एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में अगर आपने कभी भी कुछ सुना है, देखा है तो आप कुछ नहीं करोगे, अदरवाइज आप इसको टिक करोगे। अब बात आती है द बिग आइडिया की। तो जो हमारा आज का लेसन है इसका बिग आइडिया क्या है, एवरी एनिमल बर्ड एंड प्लांट इज स्पेशल इन इट्स ओन वे। हर कोई एनिमल बर्ड या जो प्लांट है वो अपने तरीके में स्पेशल होता है। हर किसी की कोई ना कोई क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो स्पेशल होता है। तो अब हम लेसन के ऊपर आ जाते हैं और एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी सारे जो एनिमल बर्ड्स और प्लांट्स हम अपने आसपास देखते हैं उनमें कुछ ना कुछ अलग होता है एक दूसरे से। और बहुत सारे ऐसे होंगे, हो सकता है कि हमने तो जितने हैं उसका कुछ ही पार्ट देख रखा वर्ल्ड में, जितने बर्ड्स और एनिमल्स प्लांट्स वगैरह हैं। और बहुत सारी वैरायटी या बहुत सारे ऐसे होंगे जीव वगैरह जो हमने कभी भी नहीं देखे होंगे और ना ही उनके बारे में सुना होगा। तो इस लेसन में हम डिफरेंट काइंड्स के जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो किसी न पर्पस से स्पेशल हैं उनके बारे में हम रीड करने वाले हैं और उनकी क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स है, वो सब भी हम इस लेसन में रीड करेंगे। लेट अस रीड अबाउट सम क्रिएचर्स डैट वी हैव सीन ओनली इन पिक्चर्स। आओ हम कुछ क्रिएचर्स के बारे में रीड करते हैं जिनको हमने सिर्फ पिक्चर्स में ही देखा है। यू मे थिंक यू हैव सीन एंड लर्न्ड अबाउट ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स अराउंड यू। आप ये सोच सकते हो कि आपने अपने आसपास जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स हैं सबको देख रखा है या उन सब के बारे में आप कुछ जानते हो। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट द लिविंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्रिएचर्स। लेकिन आप सबको जानकर हैरानी होगी कि जिस लिविंग वर्ल्ड में हम रहते हैं उसमें काफ़ी वैरायटी के जीव जंतु हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स डैट यू हैव नॉट इवन हर्ड अबाउट। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स हैं जिनके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। मैनी ऑफ दीज क्रिएचर्स हैव फीचर्स सो स्ट्रेंज डैट दे वुड सीम अनरियल टू अस। और इनमें से बहुत सारे क्रिएचर्स के जो फीचर हैं ना वो इतने ज़्यादा स्ट्रेंज हैं, इतने ज़्यादा अजीब हैं कि वो हमें वास्तविक, रियल नहीं लगते, अनरियल होते, अवास्तविक लगते हैं, ठीक है। हम सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा भी कोई एनिमल और बर्ड हो सकता है। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ देम। आओ इनमें से कुछ को हम देखते हैं। जो सबसे पहले हमें दिया गया है वो है द पाकू फिश। पाकू फिश के बारे में सुना है आप लोगों ने?
मैंने भी नहीं सुना था, चलो हम रीड करते हैं क्या होता है पाकू फिश। द पाकू फिश आर सिमिलर टू फिरानाज। जो पाकू फिश होती हैं वो फिरानाज के जैसी होती है। अब फिरानाज क्या होती है? फिरानाज छोटी मछली होती है, ठीक है, जो क्या करती हैं, जीवित जीवों को खाती है। पाकू फिश फिरानाज की जैसी होती है देखने में, बट बिगर इन साइज, लेकिन उनका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। द पाकू फिश आर फाउंड इन द रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, मेनली पापुआ न्यू गिनिया। और जो पाकू फिश है वो नॉर्मली कहाँ मिलती हैं? साउथ अमेरिका की नदियों में मिलती हैं, और वहाँ पर भी कहाँ पर, जो पापुआ न्यू गिनिया एक कुछ प्लेस है वहाँ पर ये ज़्यादा मिलती हैं। दीज फिश हैव अ ह्यूज सेट ऑफ टीथ दैट रिजेंबल ह्यूमन टीथ। और ये जो फिश होती हैं इनका जो सेट ऑफ टीथ होता है, देखो आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, जो इनके टीथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होते हैं और बिल्कुल जैसे हमारे ह्यूमंस के होते हैं ना टीथ, उससे रिजेंबल करते हैं। रिजेंबल मतलब मेल खाना, बिल्कुल वैसे ही होते हैं मेल खाना हमारे जैसे ही। विच मेक्स दैम पिकुलियर, और ये ही ये जो इनके टीथ है ना इसकी वजह से ही ये पिकुलियर हैं। पिकुलियर मतलब डिफरेंट है, सबसे अजीब हैं। दे फीड ऑन नट्स एंड सीड्स, और ये क्या खाती हैं? नट्स और सीड्स खाती हैं। तो पाकू फिश के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये फिरानाज के जैसे ही होती हैं, लेकिन बस क्या डिफरेंस होता है, इनका साइज़ बड़ा होता है। और कहाँ मिलती हैं ये? साउथ अमेरिका की रिवर्स में, और मेनली जो इनका प्लेस है वो क्या है? पापुआ न्यू गिनिया। और इनके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होते हैं, ह्यूज सेट ऑफ टीथ होता है। और वो किस से रिजेंबल करते हैं? ह्यूमन बींग से, और ह्यूमन के जो टीथ होते हैं ना उससे रिजेंबल करते हैं। और ये क्या खाते हैं? नट्स एंड सीड्स। अब सेकंड नंबर पर हमारी आती है ब्लोब फिश। द ब्लोब फिश आर फाउंड इन द डीप वाटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो ब्लोब फिश है वो ऑस्ट्रेलिया के गहरे पानी में मिलती हैं। दे हैव जेली लाइक फ्लैश एंड फ्लोट ऑन द वाटर बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट बॉडीज एंड डू नॉट स्विम। दे हैव जेली लाइक फ्लैश, फ्लैश का मतलब मास। इनका जो मास होता है ना वो बिल्कुल जेली के जैसा होता है, जैसे आप लोग कैंडीज़ वगैरह भी लाते हो ना जेली के, जो बहुत ही ईजिली उसको आप स्पंज कर सकते हो, जैसे आपका इरेजर होता है उसको तो आप दबाओगे तो वो काफ़ी हार्डली प्रेस होगा, लेकिन जो जेली होती है वो ईजिली प्रेस हो जाती है। तो उनका जो फ्लैश होता है ब्लोब फिश का वो जेली के जैसे होता है, और ये पानी के ऊपर बहती रहती हैं। क्योंकि क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनके जो बॉडी का वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। पानी में कोई भी हैवी चीज़ हम डालेंगे तो वो नीचे चली जाएगी, लेकिन अगर हल्की चीज़ होगी तो वो उसके सरफेस के ऊपर ही बहती रहेगी। और ये जो फिशेज़ हैं ये तैर नहीं सकती, ठीक है, जैसे नॉर्मली फिशेज़ किस लिए जानी जाती है कि वो स्विम कर सकती हैं, लेकिन ब्लोब फिश इज़ अ काइंड ऑफ फिश दैट डू नॉट स्विम, जो कि स्विम नहीं कर सकती। They wait on the surface of the water and swallow food that floats towards them. And you know well that every living being needs for food. लेकिन अगर वो तैर नहीं सकती तो फूड कैसे लेंगी वो? तो जो भी वाटर के सरफेस के ऊपर कुछ भी बह कर आता है उसको वो स्वेलो कर लेती, निकल लेती है, ठीक है। अब थर्ड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एनिमल है, काफ़ी अच्छा है। आपने पांडा के बारे में सुना होगा ना, पांडा देखे भी होंगे टीवी वगैरह पर, ठीक है, और आंट्स भी, आंट्स तो घरों में निकल ही आती है, चींटियाँ वगैरह। तो यू हैव सीन पांडाज, आपने पांडाज देखे होंगे, एंड यू हैव सीन आंट्स, आपने आंट्स भी देखे होंगे। बट हैव यू एवर हर्ड अबाउट द पांडा आंट? लेकिन क्या आपने कभी पांडा आंट के बारे में सुना है? दीज आर विंगलेस वास्प, ये कौन से कीड़े होते हैं जिनके पंख नहीं होते और फाउंड इन चिले, ये चिले में मिलते हैं। द लिटिल इंसेक्ट गेट देयर नेम फ्रॉम देयर ब्लैक एंड वाइट पांडा लाइक अपीयरेंस। और ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं इनको इनका नाम क्यों मिला, इनको पांडा आंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनकी अपीयरेंस है, मीन्स इनकी जो दिखावट है, अपीयरेंस का मतलब दिखावट, ठीक है,
वो बिल्कुल पांडा के जैसी होती है, ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं, और फिर इनको पांडा ही बोल देते हैं। लेकिन आंट क्यों बोलते हैं, जो आंट होती हैं वो स्टिंग करती है ना, काट लेती हैं, जैसे डंक लगा देती हैं, तो वैसे ही हावर दीज वास्प आर नॉन फॉर देयर पेनफुल स्टिंग। और इन ये जो कीड़े हैं इनको इनके जो डंक दर्द वाला काफी जोर का डंक लगाते हैं उसके कारण जाना जाता है, ठीक है। तो एक फीचर तो इनका हो गया पांडा का, और क्योंकि इनकी अपीयरेंस है बिल्कुल पांडा के जैसी, और दूसरा जब ये स्टिंग करते हैं डंक मारते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, तो इसलिए आंट का फीचर भी इनके साथ है। तो जो हमारा थर्ड नंबर पर हमने रीड किया है वो है हमारा पांडा आंट। अब फोर्थ है ककापो। द ककापो ऑल्सो कॉल्ड द आउल पैरट। ककापो को हम आउल पैरट भी कहते हैं। इट इज़ द फ्लाइटलेस बर्ड विच इज़ फाउंड इन न्यूजीलैंड। ये एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता। नॉर्मली बर्ड उड़ते हैं ना, लेकिन ककापो उड़ नहीं सकता, और ये कहाँ मिलता है, न्यूजीलैंड में मिलता है। द बर्ड इज़ ऑल्सो सैड टू बी द हैवीएस्ट ऑफ ऑल पैरट्स। ये जो पिक्चर में आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, एक ककापो की पिक्चर है, इसको सारे तोतों में भारी सबसे भारी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो वेट होता है बॉडी वेट वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसीलिए ये उड़ नहीं पाता। अब दिखने में पैरट जैसा है, लेकिन इसका एक और फीचर क्या है कि ये नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल मीन्स जो रात को जागता हो। रात को कौन जागता है, आउल ना, तो आउल वाला फीचर भी ककापो के पास है, और इसको रात का पक्षी भी बोलते हैं, नाइट बर्ड लिखा है ना। इट इज़ अ रेयर बर्ड एंड इज़ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। ये बर्ड हमें बहुत कम देखने को मिलता है, और ये लगभग लुप्त हो चुके हैं, मतलब अब इतने एग्जिस्टेंस में ये नहीं रहे। इट कैन बी फाउंड ओनली ऑन 3 आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। और ये दुनिया में सिर्फ 3 ही आइलैंड पर पाए जाते हैं। तो हमने अब तक 4 क्रिएचर्स के बारे में रीड किया। सबसे पहला था पाको फिश, जो कि फिरानास के जैसी होती हैं, लेकिन जो उनका सेट ऑफ टीथ होता है वो ह्यूमन टीथ से रिजेंबल करता है। फिर हमने ब्लो फिश के बारे में पढ़ा, जिनका जैली लाइक फ्लैश होता है, और जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो लाइट वेट में होती है। थर्ड फिर हमने पढ़ा पांडा आंट। पांडा आंट क्या होती है, पांडा आंट क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस है देखने में ब्लैक एंड वाइट पांडा के जैसे होते हैं, और जो इनका स्टिंग होता है वो पेनफुल होता है, इसलिए इनको पांडा आंट बोला जाता है। फिर फोर्थ हमने पढ़ा ककापो। ककापो क्या है, ककापो को फ्लाइटलेस बर्ड भी बोला जाता है, क्योंकि ये उड़ नहीं सकता। ये बिल्कुल पैरट के जैसा होता है दिखने में, ठीक है, लेकिन ये नॉकटर्नल होता है, मीन्स रात को जागता रहता है, और ये बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्रिएचर इज़ पीचर प्लांट। जो हम फिफ्थ करने वाले हैं वो है पीचर प्लांट। पीचर मीन्स पता है आप लोगों को क्या होता है, पीचर मीन्स होता है मटका। अब ये पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कुछ कुछ मटके जैसे शेप आ रही है ना यहाँ पर, ठीक है। तो द रेयर पीचर प्लांट इज़ ए कार्निवोरस प्लांट। अब कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, इन सब के बारे में साइंस में रीड किया आप लोगों ने। चलो मैं फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, और कार्निवोरस मांस भक्षी जो होते हैं, जो एनिमल्स को या जो मांस खाते हैं ना, मीट वगैरह खाते हैं, उनको कार्निवोरस कहते हैं। और ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो जिनमें हर्बीवोरस के फीचर भी हों और कार्निवोरस के भी। तो जो ये पीचर प्लांट है, हालांकि ये एक प्लांट है, लेकिन प्लांट होते हुए भी ये कार्निवोरस है। क्या सुना है कभी आपने कि कोई प्लांट इंसेक्ट को खा रहा हो। देखो ध्यान से, इसका जो फ्लावर टाइप का ये जो पीचर बनता है, इसके ऊपर एक लीफ आप लोगों को दिखाई दे रही है, दे रही ना ये, तो जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर जाता है लीफ ऊपर से बंद हो जाती है। इट इज़ बिलीव टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मीट ईटिंग प्लांट। और ये माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मीट खाने वाला प्लांट है। इट कैन इवन ईट रैट्स, और यहाँ तक कि ये चूहों को भी खा सकता है।
इट इज़ नेम्ड द पिक्चर प्लांट बिकॉज ऑफ इट्स अपेयरेंस। और इसको पिक्चर प्लांट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी दिखावट जो है ना उसकी वजह से इसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं, क्योंकि दिखने में मटके के जैसा है, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ द डांसिंग प्लांट। अब डांसिंग प्लांट क्या होता है, क्या कोई प्लांट भी डांस कर सकता है ना, अजीब सी बात। द डांसिंग प्लांट विच इज़ फाउंड इन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, चाइना एंड मलेशिया। ये कहाँ पर मिलता है, ये जो कंट्रीज़ के नेम दिए गए हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, चाइना और मलेशिया में मिलता है। हैज़ स्मॉल लीव्स एंड बियर स्मॉल पर्पल फ्लावर्स। इसकी जो लीव्स होती है, पत्तियाँ जो होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, और इसके ऊपर पर्पल कलर के छोटे छोटे फूल लगते हैं। द लीव्स ऑफ द प्लांट मूव एट अ रैपिड स्पीड टू रिसीव सनलाइट। और जो इसकी लीव्स होती है ना, पत्तियाँ होती हैं प्लांट की, वो बहुत ही स्पीड से मूव करती है सनलाइट को रिसीव करने के लिए। कुछ तो पत्तियों का साइज छोटा है और कुछ उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है सनलाइट को लेने के लिए। वो कभी इस तरफ राइट को मूव करें, कभी लेफ्ट करें, कभी बैक एंड कभी फोर्थ, ठीक है। इट इज़ दिस मूवमेंट डैट इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम। और इस मूवमेंट के कारण ही इसको इसका नाम मिला। क्यों बोलते हैं इसको डांसिंग प्लांट, क्योंकि सनलाइट को रिसीव करने के लिए जब लीव्स मूवमेंट करती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे प्लांट डांस कर रहा हो, इसीलिए इसको डांसिंग प्लांट बोला जाता है। तो है ना सचमुच डिफरेंट काइंड्स के जो एनिमल, बर्ड्स और प्लांट्स वगैरह हमारे लिविंग वर्ल्ड में। आई होप कि आप सबको इनके बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय।